Assalamu alaikum viewers, kaise hain? Hopefully aap sab theek honge, main bhi theek thaak hoon. Aaj hum aapko leke aaye hain jo hai wo Trento city mein, aur hum start karenge ye hamare piche tore vanga hai jo ek bahut historical jo point hai jahan pe jo starting mein political jo hai wo jahan pe mashware karte the, conference karte the, aur jahan pe ghat hota tha, kyunki us daur mein na akhbar ka system tha na phone ka tha. और यहाँ पे ये इकट्ठे होके जो है वो अपनी बातें शेयर करते थे या जो अपने मकासद थे वो शेयर करते थे. उसके बाद यह जो ये इनकी लोकल फौज का हिस्सा कह लें या लोकल इनकी जो बेसिकली ये आल्पिन के एक इनकी अदारा है जो वॉलेंट्री जो फौज को मदद करते थे एज अ जंग में या किसी ऐसे एपिसोड में, तो ये उनके अंडर है. तो अब ये एज ए म्यूज़ियम है बस, ओनली उसमें जो है वो बाकी हर चीज़ मेंटेनेंस रखी हुई है और साथ म्यूज़ियम. और आज आपको साथ जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ा पार्टनर है, तो मेरा बेटा है जैन अल्दीन. चाओ. व्यूअर्स, ये जो मोर्चा है जो पहले आपको दिखा रहे थे तोरे, तो उसके नीचे ये मोर्चा था जहाँ पे जो सेव एरिया था. तो इसमें जो है इन्होंने जो है वो टीवी लगा के मुख्तलिफ वीडियोस प्ले की हुई हैं, साथ साउंड दिए हुए हैं और जो प्रोटेक्ट जो है वो छत पे कर रहे हैं. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कैसे जो है वो जंगी हालात जो उस वक़्त क्या हालात होंगे, जो बंदे इधर सर्व कर रहे होंगे जो फौजी, और इस वक्त जो है ये म्यूजियम की शक्ल में. दिस इज द पावर ऑफ शूज. ये आप इसी तरह समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है. यहाँ भी जो है इस हिस्ट्रिकल म्यूजियम की में भी जो है मेन इन्होंने सिंबल बनाया हुआ है ये शूज़ के ही बनाया हुआ है, कि जब तक शूज़ वाले पावर में है वो जंगे वहाँ पे कभी अमन नहीं हो सकता, वहाँ पे हमेशा जंगों की सूरत हाल ही रहेगी. जब तक ये बूट वाले कमांड करते रहेंगे, और क्योंकि उनका मफाद ही, उनका दिमाग ही जो है वो जंगों वाला होता है, शुरू से वो तैयार जंगों के लिए होते हैं. तो इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री जो हम जानने हैं, जब जान रहे थे तो साथ साथ अपने वतन का सोच रहे थे कि जब तक जो है वो पुअर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं आएगी इन शरारती कह लें या बंकर. और
इसमें हमें एक चीज बहुत जो है वो वाज़े पॉइंट नजर आता है कि जब तक जो पावर में ये जो शूज की पावर है वो बॉर्डर से इनसाइड आ जाए तो वहाँ से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, और इन्होंने इन जंगों का जो है वो खुद सारा लवाजमात बुटके हैं। और उसके बाद जब जैसे जैसे इनकी डेमोक्रेसी पावर में आती गई है वैसे वैसे जो है ये मुल्क अमन का जो है वो गवारा बनते गए, और जब तक शूज की हुकूमत थी तब तक इधर अमन का कोई जो है वो बंदा सोच भी नहीं सकता था। आज भी जो इदारे जिसके लिए बनाए जाते हैं अगर वो उसी के लिए अगर वो टारगेट रखें तो वो अपना काम बेहतर कर देते हैं बजाय किसी और इदारे में टांग बनाने के। तो ये वक्त हाल हमारी सूरत हाल भी कुछ पाकिस्तान की ऐसी है, और वो चाहे जब से पाकिस्तान बना है अभी तक यही सूरत हाल है कि जो कोई भी सदर बना जो है वो जो कोई भी डेमोक्रेट बना उनकी जो है वो टांगे खींचने वाले जो है वो बहुत से पावरफुल कह लें इदारे जिनके पास पावर है इख्तियार है जो उन्होंने जो काम नहीं करना चाहिए वो करते रहे हैं, जिस वजह से आज हम जो है वो इस पॉइंट पे खड़े हैं कि ना हमारा बैकअप बना और ना हमारा कोई फ्यूचर का कुछ नज़र आ रहा है। कैजुअल ट्रेजेडी कह लें या कैजुअल पिक्चर का कह लें, और जब हम देखिए इधर भी एक मूछों वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जो है बगैर बालों वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक यंग प्राइम मिनिस्टर है, और तीसरे में जो है वो कोई जर्नल या कोई बड़े अहदे वाला जो है वो शूज़ वाला। तो हमारी भी वक्त सूरत हाल कुछ एक्स प्राइम मिनिस्टर उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ जो है वो टोपी वाले तो आप खुद ही समझ गए होंगे जो शूज के पावर वाले हैं, ये भी इधर शूज के अंदर ही सारा सब को इन्होंने प्लाज किया हुआ है। तो लगता है ये हमारा बैग वाली इन्होंने इधर लगाया हुआ है। जी इस वक्त हम मौजूद हैं जो है चेंत्रो ट्रेंटो के चेंत्रो में, जहाँ पे एक रॉयल रेजिडेंस है जो फैमिली टून थी, तो उनका ये रेजिडेंस है। ये तकरीबन जो है वो 400 जो है ईस्वी में जो है ये तामीर किया गया है, और ये बिल्कुल चेंत्रो के पास है। तो ये इसका आप जो है वो हेल्पर What are you doing, baby? आज जनाबदीन भी बहुत enjoy कर रहा है पापा के साथ। One of the my best partner. तो कोई भी नहीं है लेकिन एज अ ओनली ऑफिस है, तो इसलिए आप ओपन है आम पब्लिक के लिए, आप विजिट कर सकते हैं। तो इन्होंने हिस्टोरिकल को जो है वो वाकई हिस्टोरिकल की कीमत को जो है वो सही संभाला हुआ है। आज भी अगर आप देखें उसी तरह उसकी मेंटेनेंस है, उसी तरह जो है वो पुराने ज़माने में जिस तरह थी ज़ाहरी उसी तरह मेंटेनेंस है, लेकिन आप इनके अंदर जाएँ तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये उस तरह। Thank you.
मौजूद है इस वक्त जो है वो प्यासा दोमो में ट्रेंटो के जो मेन सिटी सेंटर है, जैसे आपको मुख्तलिफ वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया इस चीज़ का, तो यहाँ पे हर सिटी छोटा चाहे कस्बा हो चाहे गांव हो चाहे बड़ा सिटी हो उसके हॉल सेंटर में एक प्यासा एक जो है वो मौजूद होता है, जिसमें मेन किरदार जो करता है वो जो है वो चर्च इधर मेन किरदार करता है। उसके दरमियान एक बहुत ही हमारी जैसे जामा मस्जिद कह लें या हिंदुज़म में जो है मेन जो होता है ये मेन इनका जो चर्च है वो इस प्यासे में मौजूद होते हैं। इसके बाद ही जो है वो लगभग 1,30,000 ये बेसिकली जो बॉर्डर है इटली का वो यही बनता है। और क्योंकि मोरजानो सिटी जो है वो ऑस्ट्रिया के अंडर था, उसके बाद आज़ाद हुआ दूसरे जंग अज़ीम के बाद उन्होंने वो इलाका को गिफ्ट कर दिया, तो वो जो आधा ऑस्ट्रिया में रह गया आधा इधर इटली में है, लेकिन असली जो बॉर्डर था वो इटली का वो ट्रेंटो ही बनता है। और ट्रेंटो में ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इटालियन बोली जाती है, और जबकि मोरजानो में जो है वो दोनों लैंग्वेज यूज़ होती हैं। और उसके अलावा इसकी आबादी 1,20,000 के करीब है, और इसके यहाँ पे बहुत ही जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंकिंग में है अबाउट 100 के जो रैंकिंग में आती है उनमें से एक यूनिवर्सिटी है इधर की, जहाँ पे हमारे बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडियन बांग्लादेश स्टूडेंट आते हैं पीएचडी के लिए आईटी में और भी मुख्तलिफ जो उस सब्जेक्ट में होते हैं। और बहुत ही पुरमन और पुरसकून ये सिटी है और हर लिहाज से। इधर मौजूद हैं जो है वो ये पार्क सेंटर में है स्टेशन के करीब, जैसे आप स्टेशन पर उतरें और रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट की वॉक पे ये पार्क मौजूद है, और बहुत ही सेफ एरिया है और बहुत ही साफ सुथरा पार्क है। स्पेशली समर में जो है आपको यहाँ जो है वो बहुत से रिलैक्सिंग के पॉइंट मिलेंगे बच्चों के जो है वो आपके उनकी स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली किड्स के लिए जो है वो आपको झूले पे, और बच्चे यहाँ के काफ़ी एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे डक्स और जो है वो कबूतर और जो है वो बत्तखें मौजूद हैं जो बच्चों के साथ एंजॉय करती हैं और खेलती भी रहती हैं। और ये देखें आप हमारा माय प्रिंसेस जो है वो ये स्टैचू को किसी कर रहे हैं और डॉगी से स्पेशली बहुत पसंद है, और ये देख रहे हैं कि मैं किन के दरमियान और उनसे बातें कर। ओके व्यूअर्स, आज हमारा जो ट्रेंटो के सिटी सेंटर का विज़िट है वो यहाँ ही ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा सा आपको अराउंड द सिटी जो है वो अपना एक चक्कर लगवाएंगे, और स्पेशली आप अब यहाँ पे दो टॉप सेंटर हैं
जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ही जो है वो उसकी शॉपिंग के लिए अगर आप ट्रेंटो आएँ तो ऑब्वियसली सिटी सेंटर के अलावा जो शॉप्स होती हैं वो थोड़ी सी जो लेस प्राइस होती है, तो शॉपिंग सेंटर में जाके जो है आपको उधर थोड़ा सा इन्जॉय करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है वो हमारे साथ रहें एंड इंशाल्लाह मिलेंगे, नहीं एक वो नहीं।